हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है चौथा ब्लॉग, सत्तू भैया के साथ वर्कआउट करने जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आप लोग को कि जो मैं प्रोटीन यूज़ करता हूँ, अभी करेंटली मैं जीएनसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो जीएनसी का आइसोलेट मैं अभी तक यूज़ कर रहा था, ये थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। तो पॉकेट फ्रेंडली के लिए मैंने ऑर्डर किया ये एटम आइसोलेट, लेकिन इसमें ये डिसएडवांटेज ये है कि इसके मिक्सेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि अब तक मैंने जितने भी प्रोटीन खाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब इसकी मिक्सेबिलिटी है। ऑल्दो ये आपको मिल जाएगा 2100 में 1 किलो का, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस करता है, क्योंकि 2 kg का ये डब्बा मैंने 6500 में 6300 समथिंग मंगाया था, और ये अगर 2 किलो का आप लेने जाओ तो आपको 4400 समथिंग पड़ जाएगा। तो प्राइस की वजह से थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा मेरे को टेस्ट में भी उतना सही नहीं लगा। ये मैं ब्लूबेरी यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, इसके पहले भी मैंने ब्लूबेरी बनाई थी, तो इस वजह से ये चीज़। बाकी चलते हैं जिम। आज मेरा प्लान ये है कि मैं लेग मारूंगा, सत्तू भैया देखो क्या कराते हैं, करते हैं। ओके, मिलते हैं जिम में। जब तक आप अकेले वर्कआउट करोगे आपको लगेगा आप ही सही कर रहे हो, आप ही बेस्ट हो। जब आप किसी ट्रेनर के साथ कर रहे हो, किसी प्रोफेशनल के साथ कर रहे हो, तो आपको पता लगता है आप कितना गलत कर रहे थे आज तक, है नहीं? अभी आज पता लग रहा है मेरी सारी एक्सरसाइज ही गलत चल रही थी। मैं साला गलत तो
भैया का नाम मैंने गलत ले लिया था, सत्तू भैया का नाम सत्या है। नामकरण दोबारा से हो गया, सत्या भैया। जिम का सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे बैक की जो मशीनें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, बैक और शोल्डर की भी। एक देख सकते हो एक बैक की मशीन वहाँ है, बाकी ये चेस्ट की, ये अपर चेस्ट की, उसके बाद ये भी बैक की, उधर लैट पुल डाउन ये बैक की। यहाँ पर मशीनें सब तो मैंने काफ़ी तेजी लगा रखी हैं, लेग की कुछ मशीनें अभी ऑर्डर हो रखी हैं, कुछ दिन में आ जाएगी। बाकी मशीनों पे सत्तू भैया ने काफ़ी खर्चा किया है, क्यों भैया? बहुत ज़्यादा अभी वर्ल्ड वाइड ये इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके दो चीज़ें दो कार मेन रीज़न है, एक आपका ये आइसोलेशन के साथ वर्क करता है, सेकेंड इसका सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है कि इससे आपको इंजरी नहीं होती। अपर चेस्ट कुछ ज़्यादा ही भर गया तो मैं इससे ज़्यादा लग नहीं रहा, तो भैया पता ही कैसे लगा रहे। कुछ लोग बोलते हैं BCAA वेस्ट ऑफ मनी है, मेरे को कुछ लोगों ने बोला इससे अच्छा इलेक्ट्रॉल पाउडर पी लो, तो क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉल पाउडर और BCAA? इलेक्ट्रॉल पाउडर में क्या है कि आपके एक सोडियम होगा, ये थोड़ी अच्छी चीज़ है बट शुगर ही बहुत ज़्यादा होगा। BCAA EAA आता है एसेंशियल अमीनो एसिड वगैरह हुए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो हाँ, तो फिर आई थिंक मुझे लगता है कि आपको नीड है उस चीज़ की, तो ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा उनको आती है, उनके लिए अच्छा है। इलेक्ट्रॉल पाउडर इज डिफरेंट टाइप, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। आप थोड़ा सा स्ट्रेट करो फ्रंट रेस, जब भी हैवी जाना होता है तो मेरा सही नहीं लगता है जब तक हम बेल्ट यूज़ ना करें, तो फ्रंट रेस में स्पेशली हम बेल्ट ज़रूर यूज़ करते हैं। मेरी बॉडी में सबसे वीक पॉइंट मेरे को लगता है अपर चेस्ट, जो कि शेप में बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरा बाइसेप्स, तो ये दो सबसे वीक पॉइंट मेरे को मेरी बॉडी में लगता है। एप्स के बाद 10 मिनट एप्स करने के बाद प्रोटीन पीने के बाद अब हम चलेंगे ऑफिस के लिए, रेडी होंगे और पोस्ट वर्कआउट मील बनाने के बाद ऑफिस के लिए रेडी होंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग प्रोबेबली बैक ब्लूबेरी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राम राम।